फाइनली आपके लिए लेकर आ चुका हूँ OnePlus 12R। इसकी 6 तारीख को सेल थी, तब हमने इसको ऑर्डर करना चाहा पर बजट थोड़ा सा कम था क्योंकि अभी बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं जैसे कि Redmi Note 13 Pro Plus, Realme 12 Pro, Moto Z34। तो इनको बाय करने में मैंने सारा पैसा लगा दिया। फिर मैंने देखा कि यार ज्यादातर कॉमेंट्स यही आ रहे हैं कि भाई OnePlus 12R की वीडियो लेकर आओ। तब मैंने वापस चेक किया तो वहां पे शो हो रहा था कि 13 तारीख को वापस सेल आएगी, इसलिए अभी हमने इसको ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया है। और अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो आपको पता होगा हम सभी स्मार्टफोन को खुद से बाय करते हैं फिर आपको एक बढ़िया सी वीडियो देने की ट्राई करते हैं। दोस्तों मेरा एक ही टारगेट है कि यार कोई भी स्मार्टफोन अगर वैल्यू फॉर मनी नहीं होता है तो उसके अंदर सिर्फ मेरे ही पैसे वेस्ट हो सकते हैं। पर मैं खुश इसलिए हूँ कि यार मेरी वजह से कितने लोगों के पैसे बच भी तो सकते हैं। और दोस्तों ये बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे। देखो सब्सक्राइब या लाइक वो तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही करना, अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो लाइक मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना। मैं आपको ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतने फोन बाय करते हैं, फिर भी काफी भाइयों के कमेंट आ जाते हैं कि भाई ये वीडियो तो प्रमोशन है, आपने पैसे लेके वीडियो बनाए हैं। बस यही क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई हम कोई भी पैसे लेकर वीडियो नहीं बनाते हैं, हम ऊपर से पैसे देके मोबाइल को खरीद कर वीडियो बनाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से मिल सके। तो यार दोस्तों मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इसलिए मैं समा चाहूंगा। तो अगर बॉक्स को देखेंगे तो रेड कलर का है जैसे हमारा 11R था, और अगर बॉक्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे कवर मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, स्मार्टफोन मिलता है, 100 वोल्ट का चार्जर मिलता है और एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है। और जो कवर की क्वालिटी है ना वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो चलिए कवर को लगाकर देखते हैं एक बार, क्योंकि यार ये कवर काफी प्रीमियम सा लग रहा है। और यार स्मार्टफोन को देखिए आप, अगर कवर के अंदर लगाते हो तो काफी अच्छा लगने वाला है, एकदम कवर मतलब अच्छा दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पे अगर इसके डिजाइन आप देखोगे ना तो यहाँ पे पीछे देखिए यहाँ पे थोड़े अंगूठे वगैरह छपते हैं। अगर आप वो ब्लैक वाला कलर चूज करते हो, मेरे से काफी भाई पूछ भी रहे थे कि भाई ब्लैक और इसमें क्या डिफरेंस है, तो उसके अंदर आपको मेट फिनिश आता है, उसके पीछे आपको कोई भी फिंगर वगैरह नहीं छपेंगे। और जो कैमरा का मॉड्यूल है ये देख सकते हो यहाँ पे 11R के थोड़ा सा मैचिंग के अंदर ही है। और यहाँ पे काफी भाई पूछ रहे थे इसके अंदर 2 फ्लैश लाइट है, तो फ्लैश लाइट इसके अंदर एक ही है और 3 कैमराज है, OnePlus का लोगो है। और जो फ्रेम है ना वो एल्यूमिनियम के, इसके अंदर राइट साइड के अंदर आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन मिलते हैं, नीचे की साइड में आपको स्पीकर मिलते हैं और इसके अंदर आपको ड्यूल स्पीकर मिलते हैं, नीचे की साइड में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे आपको माइक मिलता है, नीचे आपको सिम स्लॉट मिलता है। चलिए सिम स्लॉट को निकाल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो इसके अंदर आप 2 सिम कार्ड डाल सकते हो, मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते। और लेफ्ट साइड के अंदर वाइब्रेट स्लाइडर मिल जाता है जिससे आप वाइब्रेट वगैरह इसको कर सकते हो म्यूट वगैरह। और ऊपर की साइड में देखोगे यहाँ पे सेकेंडरी स्पीकर मिलते हैं और नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिलता है और IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है जिससे आप AC वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। मेरे पास ये 8GB रैम और 128 के अंदर है, तो इसके अंदर आपको LPDDR5X रैम मिलती है और UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। पर अगर आप R256GB के अंदर खरीदोगे वहां पे आपको UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है। और अगर वेट देखोगे तो 207 ग्राम है, थोड़ा सा भारी महसूस होता है क्योंकि इसके अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है और 100 वोल्ट का चार्जर मिलता है। OnePlus ने कहा है कि 38 मिनट के अंदर 0 से 100% चार्ज हो जाता है। हम इसको अच्छी तरह से टेस्ट करेंगे कि 0 से 100% चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, बैटरी ड्रेन टेस्ट वगैरह सब कुछ टेस्ट करेंगे। और अगर इसकी डिस्प्ले देखोगे 6.78 इंचेस की 1.5K रिजोल्यूशन एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलती है और 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है और 4500 nits की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। अगर आप YouTube वगैरह पे कंटेंट वगैरह देखते हो, Netflix वगैरह पे, तो HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। और मैंने देखा कि काफी भाई ये भी कमेंट कर रहे थे कि OnePlus ले तो रहे हो पर ग्रीन लाइन आपके साथ में आएगी, तो देखिए अभी तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी, वो तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर आए या हो सकता है OnePlus के अंदर ऐसी शिकायत ना आए। और अगर प्रोसेसर इसके अंदर देखोगे Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है। अभी हमने इसको कुछ भी टेस्ट वगैरह नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे बाय किया है और आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो दे रहे हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से टेस्ट करने वाले हैं क्योंकि मैंने काफी सारी वीडियोस वगैरह देख रखी है कि इसके अंदर 90fps मिलता है, कैसा BGMI वगैरह खेल सकते हैं, पूरी डिटेल में बात करेंगे। एक दो दिन रुक जाइए दोस्तों, हम आपको मतलब जितनी भी इसकी वीडियोस हो सकती है हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और OnePlus ने प्रोमिस किया है कि इसके अंदर आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। और आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 14 मिलता है और इसके अंदर कोई ज्यादा ब्लोटवेयर वगैरह नहीं है, कुछ एप्स हैं उनको आप इजीली डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैमरा के बारे में। इसके पीछे देखोगे आपको 3 कैमराज नजर आते हैं, जो मेन कैमरा है 50MP का OIS कैमरा है और 8MP का अल्ट्रा वाइड है, पर यार 2MP का इसके अंदर मैक्रो का कैमरा दिया गया है। मेरे हिसाब से यार
40,000 रुपए के अंदर भी अभी तक आपको मैक्रो का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि वन प्लस को नहीं देना चाहिए था। और जो फ्रंट कैमरा है ना, वो सिर्फ आपको 16 मेगापिक्सल का ही मिलता है। तो मैंने अभी तो नॉर्मली काफी सारी फोटोज वगैरह क्लिक की, आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो काफी अच्छी निकल कर आ रही है, पोर्ट्रेट वगैरह के अंदर, लो लाइट वगैरह के अंदर हमने फोटोज क्लिक की है। और अगर दोस्तों आपको और भी फोटोज वगैरह चाहिए, वीडियोज वगैरह चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट कर दीजिए, मैं अलग से इसका कैमरा टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। पूरी डिटेल में बात करेंगे कैमरा टेस्ट के अंदर कि इसका कैमरा कैसा है, दूसरे स्मार्टफोन से भी कंपैरिजन वगैरह करके आपको दिखाएंगे। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक कैमरा से हम 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अच्छी बात है। पर फ्रंट कैमरा के अंदर यार सिर्फ हम 1080p पर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, कम से कम 4K 30fps का तो यार फ्रंट कैमरा के अंदर ऑप्शन मिलना ही चाहिए था। तो जब भी हम कैमरा टेस्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि फ्रंट कैमरा इसका कैसा है, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करके सारे सैंपल्स आपको ट्राई कराएं। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, क्योंकि अभी तो अनबॉक्सिंग की वीडियो दी हमने आपको, इतना कुछ ज्यादा टेस्ट किया नहीं है तो हम आपको कुछ बता नहीं सकते ज्यादा। दोस्तों अब हम इसको मतलब प्राइमरी फोन की तरह टेस्ट करेंगे, इसके अंदर सिम कार्ड डालेंगे, सब कुछ अच्छी तरह से टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताने की ट्राई करूंगा कि ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, क्या इसके अंदर यहाँ पे कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, पूरी तरह से पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। तो दोस्तों यार ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यूजफुल रही, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर दोस्तों किसी दूसरे स्मार्टफोन से कंपैरिजन देखना चाहते हो, आपका जो भी सवाल है वो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।